हे फॉलो, स्वागत है तुम्हारा कार फॉर सेल सिमुलेटर में। और भाई तुम सबको छोड़ो, पहले तुम यहाँ पे राइट साइड में देखो। भाई मेरी जेब में ओनली $5। भाई वो क्या हुआ ना, मैं कल रेड बार में गया था एक का डबल करने के लिए, बट भाई वहाँ पे जाके मैं इतना गंदा वाला हारा ना भाई, मुझे सिंगल कच्चे में आना पड़ा जो मैंने नीचे पहन रखा है। तो भाई तुम्हारे भाई ने भी चैलेंज ले लिया, हम भी इस $0 से $1,000,000 कमाएंगे। बट इस चैलेंज में 3 कंडीशन होने वाली है। पहली ये कि हम इसमें कोई भी कार किसी से बाय नहीं कर सकते हैं। दूसरी ये कि हम इसमें कोई भी लोन नहीं लेंगे। और भाई तीसरी और लास्ट कंडीशन ये होगी कि अब हम जैक जंक यार्ड में भी जाके पैसे नहीं कमा सकते। क्यों हिला डाला ना। बट गाइस तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई के पास एक बुलेट प्रूफ प्लान है। और भाई पहला क्वेश्चन तो ये है, हम पैसे कैसे कमाएंगे? तो वेट गाइस, मैं तुम्हें अपने प्लान बताता हूँ हम पैसे कैसे कमाएंगे। रुको जरा, वो मेरी डायरी में लिखे हुए हैं, अभी मुझे अपनी पॉकेट से निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये रही मेरी डायरी। भाई तुम सोच रहे हो क्या लिख रखा है? भाई ये थोड़ा सीक्रेट कोड में लिखना पड़ता है, मार्केट में बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर बिजनेस चलाना तो ऐसे करना पड़ता है। तो देखो भाई प्लान ए है 2.5 किलो का हाथ। तो भाई देखो 2.5 किलो का हाथ से मतलब मेरा ये है, ये अपना जितना भी ऑफिस है ना, अब हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो भाई इसमें से कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे। तो ये लिया हमने अपना डिलीट का बटन। और भाई अभी के लिए मुझे अपना ऑफिस सारा तोड़ना पड़ेगा। ये देखो अभी हम बैठे थे बस $0 पे, और अभी हमारे पास देखो भाई 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, भाई 7,000, इतने सारे पैसे आते हैं क्या? भाई मैंने ना ऑफलाइन अपना थोड़ा डेकोरेशन किया था ऑफिस का, भाई मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखो कार फॉर सेल, बट अभी हमें हटाना पड़ रहा है भाई, हम एक बाद में बढ़िया सा शोरूम बनाएंगे। और भाई मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है, मेरी एक बारी जेब में देखो भाई, लिटरली कुछ नहीं किया और जेब में 22,000 भाई। बट गाइज जितना भी पैसा अपनी जेब में आ रहा है ना भाई, ये बहुत ज्यादा कम है अपने प्लान सेकंड के लिए। लिटरली देखना भाई, दोबारा से हम कंगाल हो जाएंगे अगर वो प्लान मेरा फेल हो गया तो। तो चलो मैंने सारे क्लियर आउट कर दिया है, बस भाई ये साइन बोर्ड, ये डस्टबिन और ये हमारा कंप्यूटर टेबल रह गया है। गाइस अपने प्लान ए के अकॉर्डिंग ना सब कुछ अपना काम हो गया है। तो भाई अब मुझे नेक्स्ट डे करके आना पड़ेगा, और मैं बस टिकट लेके भी नहीं जाने वाला भाई, क्योंकि भाई ₹10 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई कितना ज्यादा बढ़िया मौसम हुआ पड़ा है। ऐसे मौसम को छोड़ो भाई, आज दिन कौन सा है भाई? यार मैं ना दोबारा से अंदर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ज्यादा खराब है। मैंने अपने पंडित से पूछा था, शनि ग्रह सारे मेरे सिर पे आंड रहे हैं भाई, एक बारी मैं नेक्स्ट डे करके आता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है, वेडनेस डे आज। तो देखो यार हमने 35,000 अपना ऑफिस तोड़ के तो बना लिए हैं। तो भाई तुम भी सोच रहे होगे इसको $1,000,000 में कैसे चेंज करेंगे, बट टेंशन मत लो, एक बारी मुझे डायरी निकालनी पड़ेगी जल्दी से। तो भाई ये देखो अपना प्लान भी है खुला सांड, तो मुझे खुले सांड के जैसे भाग के जाना है इस कार ऑक्शन की तरफ, क्योंकि ऑक्शन बिड शुरू हो चुकी है। क्योंकि भाई मैं यहाँ से गाड़ियाँ खरीद नहीं रहा हूँ भाई, यहाँ पे बिड लगा के मैं गाड़ियों को जीत रहा हूँ। और यहाँ पे एक रोंकी नाम की कोई गाड़ी आई है, अभी पता नहीं 30,000 की बिड लग रही है इसकी। यार नहीं, मैं इसको नहीं खरीद सकता। गाइस यार प्लीज लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि जो आगे दो शटर है ना उनमें से कोई बढ़िया कार निकल जाए। लेट्स गो गाइस, भाई ये 6,000 से इसकी बिड शुरू हो रही है, हम यहाँ पे 400 की बिड लगाते हैं। प्लीज यार 10,000 से नीचे छोड़ दो। लेट्स गो भाई, 9,000 में अपने पास ऑडी। भाई सामने देखो क्या आया भाई, जले पे नमक छिड़क रहे हैं, लैम्बोर्गिनी आई है भाई, बाहर में जाओ तुम। तो देखा गाइस हमने कोई गाड़ी बाय भी नहीं करी है, और हमारे पास एक गाड़ी भी है। तो चलो यार गाइस जल्दी से इसको सेल पे लगाते हैं। तो हम इसको $9,000 के लेके आए थे, तो इस भाई इसका यहाँ पे ना $30,000 डालते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। ओके भाई मैंने यहाँ पे गाड़ी का नाम भी डाल दिया है, पुट इट ऑन सेल, स्पंज निकालो, गीला गीला स्पंज, गीली गीली गाड़ी, सेल करने के फूल है तैयारी। तो हाँ मैं ये कह रहा था, तो भाई मैंने इसका प्राइस 30,000 इसलिए डाला था क्योंकि अपना जो स्किल पैनल है ना उसमें अपने पास 2 स्किल पॉइंट है, और उससे हम बैटर बार्गेन 2 को अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि भाई इस गाड़ी को हम और भी बढ़िया प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो चलो इसको अनलॉक कर देते हैं जल्दी से। ओ भाई यहाँ पे ये देखो मार्क जुकरबर्ग का है अपने पास। तो चलो इससे बात करते हैं। हाँ भाई मार्क जुकरबर्ग के भांजे, क्या प्राइस है ये जो बचे हुए बाल है ना, ये भी उड़ा दूंगा मैं, निकल जाए यहाँ से। ओके भाई एक भाई और आए यहाँ पे, लेट्स गो गाइस। भाई अभी तक ऐसा कस्टमर कोई भी नहीं आ रहा था, देखो 11,500 बोल रहा था, तो इसको ना 18,000 में ले जा। भाई ये नहीं मान रहा, भाई तू पता क्या कर, तू इतने में ले जा भाई, थोड़े बहुत पैसे तो मिलेंगे, वहाँ पे ऑक्शन मेरी शुरू हो गया है। ले जा। भाई कोई ऑक्शन से गाड़ी ना मिस हो जाए मेरी, अभी तक पहली गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे। भाई प्लीज कार फॉर सेल गॉड, भाई नेक्स्ट गैराज में कोई बढ़िया सी गाड़ी लगा दो। ऑडी R8 भेज दी यहाँ पे, सभी गाड़ियाँ इतनी ज्यादा लग्जरी आ रही हैं, $40,000, पता नहीं यार भाई कहाँ से उठा के ले आते हैं ये। भाई प्लीज लास्ट गैराज में कोई बढ़िया सी गाड़ी दे दो, भाई ये वाली गाड़ी मिल जाएगी, बट भाई ये तो बिल्कुल ही छोटी दे दी। ओके तो गाइस हमारे पास ये वाली गाड़ी आ गई है, तो चलो यार रात होने वाली है, फिलहाल के लिए इसको अपने कंटेनर पे लेके चलते हैं। और गाइस हाँ भाई जो अपना प्लान सी है, हम उससे भी तो पैसे कमा सकते हैं।
बट भाई यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो अपना प्लान सी है ना उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई पहले तुम यहाँ पे मेरे पास पैसे देखो कितने बचे हैं, सिर्फ $2,000। बट तुम एक बार इसे देखो भाई, शेवरलेट कोबाल्ट अपने पास। भाई इतने सारे दिन ऑक्शन में गुजारे हैं ना, अब जाके ऐसी कोई ढंग की गाड़ी मिली है जो शायद ढंग के प्राइस पे बिक सकती है। और भाई यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ मैंने खड़ी कर रखी हैं। भाई लिटरली इन्होंने अपडेट क्या करी गेम, पता है इन्होंने क्या कर दिया? अभी 12 बजे से पहले हम सो ही नहीं सकते हैं। भाई अगर तुम प्ले करते हो ना तुम्हें पता होगा वे ऑक्शन के दिन कितने ज़्यादा घट देते हैं ये। और भाई ये छोटी मोटी गाड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद अब मुझे लग रहा है भाई $1,00,000 तो हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। इस शेवरलेट कोबाल्ट को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और नहीं गाइस ये देखो भाई 12 बजने वाले हैं, मुझे ना जल्दी से सेल करना पड़ेगा, अभी मेरे पास 2,000 रुपये हैं बस। अरे यार मैंने वो ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। अरे यार गेम ही क्रैश होगी मेरी तो। ये देखो भाई 2 तो बच गए हैं यार। यार एक बार जाके चेक करना पड़ेगा कौन सी गाड़ी आई है। भाई अब तो मैं सेल भी नहीं कर सकता गाड़ियों को, भाई मेरे पास 2 पैसे इकट्ठे हो जाएं। भाई वो जामने से कलर की रोशनी दिख रही है यार, कोई रेयर गाड़ी आई थी ये। अरे यार गाड़ी भी ठूक गई मेरी। ओ भाई ये देखो भाई पहली बारी मैंने फरारी ट्रिपल एक्स देखी है। भाई यार देखो यार, भाई पता नहीं इस गेम को क्या रखा है, जब से इन्होंने अपडेट करी है ना भाई मेरी गेम क्रैश कर गई, सीधा 2 बज गए। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज भी फिर से ऑक्शन है। भाई कल तो ऑक्शन का दिन तुम्हें पता है कैसे गया था, तो चलो छोड़ो यार आज ना 4 बजे के ऑक्शन है तो हमें ना ये जल्दी जल्दी सी गाड़ियाँ सारी बेचनी पड़ेंगी, नहीं तो अपने साथ ना कल वाला पोपट हो जाएगा। भाई ये कोला कैन वाला जिस दिन मुझे मिला ना भाई, इतने दिनों का कूड़ा घेर घेर के ना स्किल पॉइंट भी मुझे मिल गया जो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बताओ। तो गाइज अब तुम यहाँ पे देखो बेस्ट प्राइस, भाई हमें ये वाली स्किल चाहिए तो ये देखो भाई यहाँ पे हमें ये दिखा देगा कितने प्राइस पे हम इस गाड़ी को सेल कर सकते हैं। ये देखो 11 तो ऐसे ही बच गए हैं। ऑल राइट भाई मैंने सभी गाड़ियों को सेल पे लगा दिया। भाई यार जान निकल गई इनको लगाते लगाते, तो भाई साथ में इनको साफ करते रहते हैं, जो बढ़िया प्राइस में निकलेगा उसको निकाल देंगे। ओके तो डॉज चार्जर के लिए पूछते हैं भाई, यार 4 बजने वाले हैं जल्दी से करना पड़ेगा, तो 36,000 की ले जाएगा, 36,000 की ले जा, तू भी खुश मैं भी खुश सब लोग खुश। ओ भाई लेगी, भाई मैंने 9,000 की जीती थी ये मिनी फियांट और ये 17,000 दे रहा। अंकल तुम पता क्या करो, तुम ना 20,000 दे दो, 20,000 प्लीज 20,000 दे दे यार। ओ भाई ये बात सुन रहे हैं क्या, मेरी 20,000 दे दी उसने। ओ भाई ये डब्बा पता नहीं कितने का बिकेगा। अंडे जी आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आप ना इसको 35 दे रहे हो ना, 40 में ले जाओ, 5,000 बढ़ा लो अपने साइड से। भाई ये सुन रहे हैं मेरी बात, भाई 1,00,000 तो होगी अपने पास, ये देखो 97। अरे यार मैं अभी क्यों खुश हो रहा हूँ, तू बता। ओ भाई सही दे रहा हूँ, उन्नीस दे रहा ना, तू 22 में ले जा भाई, 22 में ले जा, ऑक्शन शुरू हो गई है मेरे भाई। ओ ले गया ले गया ले गया। अरे यार 4,500 हो भी गए हैं भाई, कितनी जल्दी चलता है इस गाड़ी में, भाई कितनी जल्दी टाइम चलता है इस गेम में। ओ भाई पहली गाड़ी आ भी गई है, कौन सी आई है? अंकल जी टिकट दे दे यार, अंकल टिकट दे। कोई नहीं 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 स्कूप पे आई है, स्कूप पे मुझे लेनी है स्कूप, नहीं N3 है ये, चलो मिल जाएगी तो अच्छी बात है। लेट्स गो गाइस, भाई पहली लग्जरी गाड़ी हमें मिल गई है। भाई क्या रद्दी से आई है गाड़ी, के भाई 20 से ऊपर ना टपाओ यार, मैं लगाता हूँ 200 की, प्लीज मुझे दे दो ये, दे दो यार आगे ना बढ़ाओ। ओ भाई यार तो सुन रहे हैं मेरी बात, ये कौन सी आ गई, BMW Series 5 8,000 की गाड़ी। चल छोड़ो यार क्या सोचना, अपने पास पैसे हैं तो ले लेते हैं ना। अरे यार कौन लगा रहा है यहाँ पे बैठा बिड, मुझे बताओ एक बार। भाई मैं देता हूँ उसका नंबर अपने भाई को, ओके भाई अपने पास 3 गाड़ी आ गई है। और भाई अंकल ये अपनी गाड़ी है भाई, ये डैमेज तो नहीं है ना, कभी चूना लगा दिया हो? भाई चूने लगाने का काम सिर्फ मेरा है। भाई मुझे तुम कमेंट में बताना अगर तुम्हें चूने वाली गाड़ी, अरे यार चूने वाली गाड़ी नहीं, अगर तुम्हें चूने वाली वीडियो चाहिए कोई तुम्हारा भाई डाल देगा, टेंशन मत लेना। ऑलराइटी गाइस गुड मॉर्निंग, भाई मजा आ गया था यार कल तो, अपने पास BMW M3 आ गया है। भाई मेरा ऑफिस भी खुला पड़ा है और यहाँ पे बंदे आके जा रहे हैं और मैं गाड़ियाँ नहीं बेच रहा हूँ। और अंकल जी सब कुछ ठीक? आपको मैं चाय पानी अच्छे से पिलाऊंगा, आप ना 48 में ले लो, ठंडा पी लेना मेरे शॉप में से। ले गया भाई ले गया वो, भाई चाय भी नहीं आएगा वो बाद में, बता देना अगर तुम्हारे घर के पास कोई डायरी है तो। दीदी जी आप पता क्या करो, आप ना राखी बांधने मेरे घर आ जाना, बट अभी के लिए ना दीदी को बोलते हैं 45 45 45 जाओ। देखा भाई, भाई मान गई दीदी, बट भाई रक्षाबंधन को अच्छे से पैसे देने पड़ेंगे मुझे, उनको याद रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई आज फिर से 3 बजे ऑक्शन है। भाई ले भाई गाड़ी साफ नहीं करी और कस्टमर पहले से आ गए हैं, तो गाइस यार इनको भी जल्दी से बेचना पड़ेगा मुझे क्योंकि 3 बजे की ऑक्शन है। ओके तो दीदी यहाँ पे आई है। हाँ जी दीदी जी आप ना इसे 26 में ले जाओ, 26 प्राइस अगर हमें मिल गया तो सही है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ भाई 500 प्लीज दीदी ले जाओ इतना। और लेट्स गो गाइस, भाई पहली गाड़ी बिक गई अपनी, और गाइस भाई हमारे 2,00,000 हो भी गए हैं। भाई किसी गैंग से लग रहा है ये, तो भाई इससे थोड़ा ना भाई बन के बात करना पड़ेगा। तू दे रहा हमें 29,000, तू ले जा इसको 35,000 में ले जा, बोलता है तो बोल वरना कट ले यहाँ से। अरे ये तो 35,000 में नहीं लेके जा रहा।
अरे एक और आ गया भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। ओके भाई ये भी 29,000 दे रहा है, तो भाई इसको बोलते हैं तू ना 33,000 में ले जा प्लीज ले जा। लेट्स गो गाइस, भाई अपनी गाड़ी बिक गई है तीनों की तीनों और हमारे पास हो गया है 2,32,000। अगर मैं इस गाड़ी को बेच दूं ना 3,00,000 तो अभी हो जाएंगे, बट भाई ये मेरी पर्सनल कार मैंने बना लिया है। अब इस पे ना थोड़ा सा काम कराते हैं भाई, थोड़े पैसे कमाए हैं वो भी तो लगाए ना, तो इसको अंदर लेके चलते हैं। हेलो भैया जी, इसमें वो भाई सब कुछ लगा हुआ है, बस मैंने इस पे नोज ही लगाना था क्योंकि व्हील भी इतने ज्यादा बढ़िया है और इस पे पेंट ना कोई बढ़िया सा कराने की सोच रहा हूँ। अरे नहीं ये देखो 3 बज गए हैं, वो भी मुझे बैक ही घुमानी पड़ेगी अपनी गाड़ी, यार मैंने ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया। ओके तो यहाँ पे उतारते हैं, टिकट लेते हैं जल्दी से। ओ भाई शुक्र है कोई अच्छी सी गाड़ी नहीं निकली है यहाँ से, ये देखो फोक्स वैगन आई है। यार ये खटारा सी गाड़ी इतनी ज्यादा महंगी क्यों बिक रही है, 35,000 की हमारी मारी मारी। ओके तो हमने गाड़ी गैस 60 बार था ये और हमारे पास है 2,00,000। प्लीज भाई ये वाली गाड़ी मुझे दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। लेट्स गो गाइस, भी 170 लाख में भी हमारे पास आ गई वो। ओ भाई फियाट की गाड़ी, इसे मैं पर्सनल तो बनाना चाहता था बट गाइस यार मुझे बेचना पड़ेगा। ओ भाई नोस भी लगा हुआ है इसमें, भाई डोनट बना देंगे, ये देखो डोनट बना देंगे। आई एम बैक विद नेक्स्ट डे गाइस, भाई कितना ज्यादा मजा आया, कल हमने ये फियाट अबाद खरीदी थी भाई, बिल्कुल क्लीन कार है ये, इसमें सब कुछ इंस्टॉल पहले से हो पड़ा है, बट पैसे कमाने के लिए हमें बेचनी पड़ेगी। ऑलराइट गाइस, भी इसको बाहर ले जाने से पहले ना इसका साथ में कलर भी चेंज करा देते हैं। वो भाई ग्रीन में कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई, इसको लाइम कलर का करा देते हैं। ओके और इसको ना यहाँ से ऐसे मेटेलिक कर देंगे और इसको ऐसे पॉलिश कर देंगे। गाइस ये देखो भाई लाइम कलर में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है अपनी BMW M3, पर क्या पता अभी अगले पल में हमें ये बेचनी पड़ जाए, बट अभी के लिए तो इसको यहीं पे रखते हैं। हमारे पास जो फियाट अबार्थ है और ये एक फोक्स वैगन है, इसको जल्दी से सेल पे लगाते हैं। और यहाँ पे ये हमारी फोक्स वैगन है, 40,000 के आराम से बिक जाएगी, तो इसका हम यहाँ पे डालते हैं $50,000। ओके और यहाँ पे हमारी फियाट अबार्थ है भाई, यहाँ पे ये $3,50,000 के आराम से बिक जाएगी, तो इसका हम प्राइस डालते हैं यहाँ पे। हाँ भाई तू बता, तू तो मुझे ले जाने वाला बंदा लग रहा है। ओके 36 बोल रहा है एटलीस्ट, तो इसे $40,000 में ले जा, मेरा प्रॉफिट आराम से बन जाएगा 5,000 के। भाई मुझे ज्यादा डालना चाहिए था, वो ले गया बंदा। ओके तो भाई इस अंकल से पूछते हैं, भाई अभी तो बंदों की लाइन लगने लगी है, वो देखो एक पीछे से आ रहा है। वो भाई ये सही दे रहा है, ये है ना 270 दे रहा है हमें। हाँ जी अंकल जी कुछ बढ़िया सा प्राइस लगा दो इस बंदे से। वो भाई 2,98,000 दे रहा है। वो भाई ये देखो भी कितने ज्यादा बंदे आ गए हैं भाई, मुझे जल्दी जल्दी पूछना पड़ेगा एक एक से। गाइस अपनी दीदी ना बहुत ज्यादा सही प्राइस दे रही है, भाई एक बारी तू ही बता दे तू कितना लेके आया है। ओके नहीं सही नहीं दे रहा तू। गाइस हमें दीदी को बेचनी पड़ेगी भाई, दीदी ना बहुत ज्यादा पैसे लेके आई है जेब में। अपना 3,50,000 में ले जाओ भाई, क्या पता बिक जाए। वो भाई नहीं बिकी है, 3,20 में ले जाओ, 3,20 में। वो भाई प्लीज यार रात भी हो गया है, निकलना जाए डील अपने हाथ से। गाइस यार 3,00,000 में बिक गई है भाई, 3,20,000 भाई, मजा आ गया। लेट्स गो भाई, आज फिर से ऑक्शन है भाई, कल भी ऑक्शन थे बट वो ना इतनी ज्यादा घटिया थी ना भाई, मैं तुम्हें अभी अपने ऑफिस पे चल के दिखाता हूँ। भाई कल के ऑक्शन में लिटरली 2 मस्टैंग थे भाई, अब तुम बताओ मस्टैंग कितने में बिकती है। बस 50,000 में बिकती है भाई ये। भाई लुक वाइज तो बहुत ज्यादा बढ़िया है बट इसका इतना ज्यादा फायदा नहीं है, बट छोड़ो गाइस भाई 2 के ऑक्शन है और मुझे ना ये सारी गाड़ियां जल्दी जल्दी बेचनी पड़ेंगी। ओके तो इस अंकल से पूछते हैं, अपनी लोड मस्टैंग लेने के लिए आया है भाई, बहुत ज्यादा सही है, तो इसके 55,000 दे दे मुझे। लेट्स गो भाई बिग्गी गाड़ी, ओ भाई मजा आ गया। ओ भाई तू कितने की लेके जा रहा है भैया, हमें से 13,500 की लेके आए थे। ओके तो भाई ये 21,000 की ले रहा है, अरे तू रुक जा तू रुक जा रुक जा। गाइस ये बंदा भाई 27,000 दे रहा है हमें, तो अंकल जी आप पता क्या करो, आप भाई बन के मेरे 30,000 कर दो प्लीज। भाई प्लीज बोलने का फायदा हो गया, लिटरली हम 5,00,000 पे पहुंचने वाले हैं भाई, ऑक्शन शुरू होने वाली है, हमें ना ऑक्शन में जाना पड़ेगा प्लीज प्लीज, जाते जाते एक गाड़ी बिक जाए। ओके तो 6,000 नहीं नहीं मुझे सेल नहीं करनी, तो गाइस हमें ना जल्दी के मैं ऑक्शन में जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 2 बज गए हैं और मैं नहीं चाहता वहाँ पे कोई गाड़ी मिस हो जाए, और भाई क्या पता लग्जरी कोई गाड़ी आ जाए और अपने पास $4,00,000 है। भाई मैं सोच के आया था कोई अच्छी सी गाड़ी आएगी और ये डब्बा आया, बट चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, अरे यार मैं खरीदने वाला था। ये स्कोडा की गाड़ी है, 21,000 की है, बट भाई क्या लेना है हमें, क्योंकि हमें तो गाड़ियाँ यहीं से मिलने वाली हैं, तो जल्दी से भाई बैट करते हैं। ओ लेट्स गो भाई 31 भाई ODR8 आई है, बट भाई पता नहीं इसकी बिड कहाँ तक जाएगी, बट हमारे पास ना $4,50,000 हैं भाई, हमारे पास $5,00,000 होते ना मिल जाती है। देखो भाई $4,47,000 में गई है वो, भाई मैं बस 30,000 से चूक गया यार, अरे यार 8,00,000 का प्रॉफिट अभी हो जाता हमारा भाई, अगर मैंने वो मस्टैंग बेच दी होती ना अभी हमारे पास आ जाती। यार क्या है ये, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो रही।
कबाड़ है। भाई इतना कुछ हो गया ना, मुझे तो एंट्री रखने का भी मन नहीं कर रहा। और शुक्र है भाई मजा आ गया, अगले दिन की फिर से ऑक्शन आ गई और वो भी 1 बजे की है। तो देखो भाई अभी के लिए मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है ना, भाई इस BMW M3 को ना सेल पे लगा देते हैं। क्योंकि गाइस अगर कोई भाई और भी लग्जरी गाड़ी आ गई ना भाई, जैसे लैम्बोर्गिनी ग्लाडो भाई, वो तो ना 5 लाख तक ऑक्शन जाती है उसकी। तो इसलिए ना मुझे अपने भाई प्यारे BMW M3 बेचनी पड़ेगी। तो भाई एक बार ना चल के देखते हैं ऑक्शन में क्या कुछ आया हुआ है। भाई मैंने ऑडी R8 को पहले देखा ही नहीं था भाई वो आई हुई है। अगर मैंने देख लिया होता ना तो मैं मस्टैंग को बेच देता जाते जाते। यार ये देखो भाई, यार क्यों कबाड़ देते हो तुम ये भाई, मुझे ऑडी R8 लगी यार। यार ये सेट्रोन है। ओ भाई तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, ये देखो लैम्बोर्गिनी ग्लाडो भाई, जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ रखी ऑक्शन में। भाई देखो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब इसके लिए ना मैं मस्टैंग भी भेज दूंगा। मैंने फैट के लिए यार बंदे आ रखे हैं, 8,000 तो दे रहा ना तू इसको 9,000 में ले जा। लेट्स गो भाई, 9,000 में बिक गया भाई, हमारे पास 5 लाख हो चुके हैं, पर अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे। ओके तो ये आंटी हमें 55,000 दे रही हैं, किसके दे रही है BM? अबे पागल है क्या, 90,000 की गाड़ी बिकती है ये। भाई यार 1 बजे ऑक्शन शुरू होने वाली है और अभी मेरी ये दोनों गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे। भाई आज लैम्बो भी ना निकल जाए कहीं अपने हाथ से। ओके तो भाई लास्ट बंदा आया है, तो ना बोल जितने बोल रहा मैं तुझे गाड़ी भेज दूंगा, प्लीज बोल दे। ओके भाई 72, हम इसको ना ऐसे सेल कर देते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है भाई, 72 में चलेगी बहुत है मेरे लिए। भाई प्लीज प्लीज बिड ना खत्म हो जाए। ओके मैं पैस पहुंच गया, अंकल जी टिकट दो दो प्लीज। अरे बिड खत्म हो गई, कुछ नहीं है बोलने को मेरे पास। ले आओ यार ये एक बार ले आओ, नहीं क्या कमा लूंगा मैं इन गाड़ियों से। भाई जो बोला ना उतना ही घटा। हेलो गाइस, आज भी फिर से ऑक्शन है 3 बजे की, और भाई आज मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने सभी गाड़ियाँ पहले सेल कर दी हैं। और भाई उनसे थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि तुम राइट साइड में देखो भाई हमारे पास है 7,28,000। और आज एक ऑक्शन में बढ़िया गाड़ी भी आई है, तो चलो मैं तुम्हें पहले वो दिखाता हूँ। और पहली गाड़ी मैं तुम्हें चेक कराता हूँ कौन सी है। तो भाई ये वाली है BMW Z3A। भाई ये 30,000 की बिक जाती है। ओके ओके तो दूसरी गाड़ी है ODTT। और भाई ये कि ये गाड़ी है पता नहीं कौन सी है, बट असली माल यहाँ पे है भाई। भाई ये वाली गाड़ी है फियाट अबाद। तो भाई अगर तुम्हें याद होगा भाई हमने फियाट अबाद पहले वाली कितने में बेची थी, तो तुम आसानी से अंदाजा लगा लो हमें कितने डॉलर मिलने वाले हैं। ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो, एक्शन शुरू हो गई है। ओके भाई गाड़ी भगाओ अपनी टाटा नैनो भगा। ओके तो पहली गाड़ी आ गई है, लेट्स गो भाई। अंकल जी टिकट दे दो प्लीज। भाई 1.5 लाख से इसकी बिड शुरू हुई है, हम बिड लगाते हैं 11,000 की। ओके भाई आज तो मैं ये गाड़ी लेके जाऊंगा। अरे यार 2 लाख की गाड़ी दोगे तो मैं क्या कमाऊंगा फिर। प्लीज यार यार कोई बंदा आया हुआ है जो मतलब बिड बढ़ाई जा रहा है बढ़ाई जा रहा है। ये देखो भाई गाड़ी मिल ही नहीं रही है, पिछली बारी मैं ना 1,89,000 की लेके गया था, और ये देखो भाई क्या हो गया इन लोगों को, ये देखो 2.5 लाख तक बिड जाएगी क्या भाई। 2,32,000 में मिली है हमें, पिछली बारी हम 1,89,000 में लेके गए थे। इन गाड़ियों को भी जल्दी लेके निपटाते हैं भाई। ओके तो गाइस भाई आज फिर से 12 बजे की ऑक्शन है, और आज वाली ऑक्शन ना हमारी लास्ट ऑक्शन होने वाली है। क्योंकि भाई जो हमने पिछले ऑक्शन से गाड़ियां खरीदी थी ना, एक थी फियाट अबाद और भाई छोटी मोटी जो नल्ली कार थी, उनसे हमें प्रॉफिट हुआ है $9,25,000 का। भाई आज वाली ऑक्शन लास्ट ऑक्शन होने वाली है, तो चलो जल्दी से चल के देखते हैं भाई क्या होने वाला है उस ऑक्शन में। भाई मैं तो कह रहा हूँ कोई दूसरी गाड़ी दे दो लग्जरी वगैरह, भाई मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहली गाड़ी कौन सी है। ओके तो ये SUV है कोई, सेकंड कार कौन सी है। लेट्स गो भाई, हमारे मिलियन डॉलर तो ऐसे हो गए भाई। मर्सिडीज खड़ी है यहाँ पे और ये $1,00,000 की बिकती है, और नेक्स्ट गाड़ी भी शेवलेट शेवल है भाई, ये भी गाड़ी 1.5 लाख की बिकती है। और नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है। ओके ये भी ऐसी हुई है भाई, यार तो मजा आ गया। ओके तो अंकल भाई पहले टिकट दे देता हूं यार। लेट्स गो भाई ऑक्शन शुरू हो गया है, तो पहले ना SUV आ रही है, तो SUV की जल्दी से ले लेते हैं। ओके लेट्स गो भाई, पहली गाड़ी हमें 28,000 में मिल गया है, और नेक्स्ट गाड़ी अपनी शेवलेट शेवल। भाई इसकी ना बिड ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो ना इसका प्रॉफिट कोई भी नहीं होने वाला फिर। ओके तो मैं इस पे 4,000 डालता हूँ, ठीक है 74 की मिल जानी चाहिए, अच्छी बात है। पता नहीं यार कौन डेट बैठा है ना बिड बढ़ा रहा बार बार, ये देखो भाई ये देखो 80 तक खींच रहा है वो। गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है वो पता नहीं है, बस बिड बढ़ानी है। लेट्स गो भाई, चारों की चारों गाड़ी तुम्हारे भाई ने ले ली है भाई, असली बातचीत तो इनमें है ये देखो। और ये भाई चैनल बूस्टर लगा हुआ है ये देखो, क्या ड्रिफ्ट मारी है भाई। अभी रखने का कोई फायदा नहीं है, इन गाड़ियों का ना बाद में कलेक्शन बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं इन सभी को सेल कर रहा हूँ। ओके तो इसका भी मैंने फेंक दिया। ऑल राइट तो हमारी यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। हाँ वो एक मिनी फियाट रहती है मेरी वहाँ पे, तो चलो जल्दी से इनको ना सेल पे लगा देते हैं। ओके तो ये 50,000 की बिकती है, इसको 50,000 में बेचते हैं। ये देखो भाई शेवलेट शेवल को 1.5 लाख की गाड़ी है ये। ओके भाई साहब ये देखो कस्टमर भी आने लगे हैं भाई, आज तो मैं सारी गाड़ियाँ भेज दूंगा। और भाई अभी तक बिल भी नहीं पे करे हैं, पता नहीं कितने बिल आ गए होंगे भाई, मैं शुरू से बिल पे भी नहीं कर रहा हूँ।
तो अपने जो मिनी फियांटा है इसको यहाँ पे खड़ा देते हैं। अपने शेवले के लिए एक बंदे आए हैं। नहीं यार, इतने कितने मैं नहीं बेच रहा ये। ओके दीदी आप बताओ। यार 1,09,000। ओके दीदी आप पता क्या करो, आप इसको 1,20 में ले जाओ। शेवल 1,20 में भाई बिक गई। 1,20 में शेवल बिक गई अपनी। भाई रुक जाओ, मुझे दिन करके आना पड़ेगा एक बार। ओके तो हमने नेक्स्ट डे करा और भी आज फिर से ऑप्शन है। पता नहीं भाई यार कौन सी गाड़ी आई होगी, क्योंकि हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हमें कोई नहीं लेनी है, बट देखेंगे भाई कौन सी आई है। ओके तो ये 8,000 की है, इसको 11,000 देने हैं। ओ भैया प्लीज यार बढ़िया सी लगा दे, तू वैसे भी ना नल्ला ही रहता है इस गेम में, इसके जेब में पैसे नहीं होते हैं। तो इसे बोलते हैं तो 13 की ले जा, तेरी गाड़ी होगी, 13 में ले जा तेरी गाड़ी। भाई ये वाला भाई फिर आ गया भाई, ये अंडरवर्ल्ड डॉन है यहाँ का। ओके बट अभी की बारी पैसे नहीं है भाई, निकल जाए यहाँ से। पैसे लेके आएगा। तो भाई दीदी से पूछते हैं, लेट्स गो भाई 1,10,000। दीदी आप पता क्या करो, 1,40,000 दे दो भाई। 1,40,000 नहीं मानना, मैं 1,25,000 कर दूंगा, 1,26,000 बोल के देखते हैं। प्लीज दीदी इतने में ले जाओ प्लीज। ओ भाई बिग गाड़ी है, देखो अपने पास $9,76,000 आ गए हैं। भाई इस वाली गाड़ी को भेज देते हैं भाई, प्लीज अच्छे से में बिक जाओ। ओके भाई बहुत ज़रा सही है, तू पता क्या कर, तो इसको 48 में ले जा। लेट्स गो भाई, हमारे पास $1,000,000 हो गए हैं। $1,000,000 भाई। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था पिछली वीडियो में, भैया आप मुझे 1 मंथ में $1,000,000 कमा के दिखाओ। भाई हमने ये पैसे 14 दिन में कमाए हैं, और वो भी कोई कार ना मैनुअली बाय नहीं करी है भाई, हमने ऑक्शन से गाड़ियां जीती हैं। ऑलराइट गाइस, भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैंने $1,000,000 तो इकट्ठे कर दिए हैं, अब यहां से आगे तुम्हारा काम शुरू होता है भाई। तुम मुझे कमेंट में जाके अतरंगी सतरंगी अपने आइडिया बताओ, अब हम इनका क्या कर सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे लाइक करना, अगर और भी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।